ओल्ड स्कूल, ऊपर से भैया मलाई। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है आवसा खावसा। मैं हूं गजेंद्र और मैं हूं अंजलि। आज हम आपको लेकर के आए भाई चांदनी चौक, दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट। जब हम चांदनी चौक की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आती है बहुत सारी शॉपिंग और हम जैसे भुक्कड़ों के लिए दिमाग में आता है खाना। यार चांदनी चौक में हर तरह के मूड वाले बंदे के लिए, हर तरह के मतलब जिसको जैसा स्वाद चाहिए वैसा स्वाद आपको यहाँ मिलेगा। किसी को तीखा खाना है तीखा मिलेगा, मीठा खाना है मीठा मिलेगा, बैलेंस खाना है बैलेंस मिलेगा, आपको हर तरीके का फूड यहाँ पे मिलेगा खाने के लिए। तो आज अंजलि और मैं इसी को एक्सप्लोर करने आए हैं कि हमें क्या क्या मिलता है यहाँ पे खाने के लिए। चलेंगे यहाँ की कुछ फेमस जगहों पर, देंगे उसका एक जेन्युइन रिव्यू और बताएंगे आपको कि कैसा उसका स्वाद है। तो आइए चलते हैं आज की चांदनी चौक की फूड वॉक को हम शुरू करते हैं लेकर के इस चांदनी चौक का नाम। और एक बात, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है खाने की, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, यहाँ पे आए हैं स्टार्ट करते हैं अब अपना। और अभी सुबह के 10:28 हो रहे हैं तो एंड ठीक जस्ट पीछे हमारे लाल किला है, हम बीच में खड़े हुए हैं यहाँ पे और अभी मार्केट शुरू ही हुई है ये। तो भाई तैयार है तू? बिल्कुल रेडी हूँ। तो चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं हम हमारी पहली लोकेशन की तरफ। आइए चांदनी चौक में घुसते सबसे पहले जो चीज आपका स्वागत करती है वो है ये भीड़। तो भाई अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ चांदनी चौक की मोस्ट फेमस गली, पराठे वाली गली में, जहाँ पे अलग अलग तरीके के पराठे हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो आ जाओ फटाफट से अंदर चलते हैं। यहाँ पे इतने तरीके के खाने हैं, छोले भटूरे हैं, नमकीन है, समोसे, क्या क्या नहीं है भाई यहाँ पे। आ जाओ, एक्साइटमेंट हो रही है खाने की, अब फटाफट से अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं। शुरुआत में जो चीज़ हमें सबसे पहले यहाँ इस गली में घुसते दिखती है वो है पराठे। जैसे कि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो यहाँ पे कितने अलग अलग तरीके के अलग अलग वैरायटी के यहाँ पे पराठे बनते हैं। ये देखो ये पूरी गली में आपको कई सारे कॉर्नर मिल जाएंगे जहाँ पे आप बैठ के पराठे खा सकते हैं। तो आइए अब हमको आपको और अंदर लेकर के चलते हैं, क्या क्या हमें और वैरायटी मिलती है देखने के लिए, आ जाइए। अभी हम हमारी पहली लोकेशन की तरफ आ चुके हैं, ब्रेकफास्ट का टाइम है 10:30 के आसपास, अभी टाइम हो रहा है, सुबह तो कुछ खाया ही नहीं। तो चलिए फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट करने के लिए आज हम आए हैं जंग बहादुर कचौड़ी वाला, जो कि पर्सनल मेरे फेवरेट है। मैंने यहाँ पे जब भी चांदनी चौक आता हूँ यहाँ पे जरूर ट्राई करता हूँ, क्योंकि उनकी कचौड़ी इतनी चटपटी और इतनी मसालेदार और इतना मतलब काफ़ी अलग लेवल का टेस्ट आता है इनकी कचौड़ी में और बाकी जगहों से। तो आइए फटाफट से एक बार थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ के ओनर से और आपको दिखाते हैं कि कचौड़ी की प्रिपरेशन यहाँ पे चल रही है। और अभी मैं बता रहा हूँ अभी सुबह का टाइम है इसलिए यहाँ पे कम भीड़ है, अदरवाइज जैसे जैसे दिन बढ़ता रहेगा यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है कि आपको कचौड़ी लेने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हम लकी है कि अभी ज़्यादा भीड़ ही नहीं है अभी तो, लेकिन जैसे दिन बढ़ेगा भीड़ यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी। फटाफट से ट्राई करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, आइए चलिए यहाँ के ओनर से बात करते हैं। नमस्ते अंकल, आपका नाम क्या? अंकल ओके। तो अंकल सबसे पहले मैंने तो खैर आपके पास बहुत बारी आगे कचौड़ी खाई है, मुझे एक बार आप ये बता दो कि आपको टाइम कितना हो गया यहाँ पे? 60 साल हो गए यहीं पे। ओके, दुकान खोले हुए 60 साल हो गए, दुकान खोले हुए 60 साल से यहाँ पे ये कचौड़ी बेच रहे हैं इसी तरीके से। तो जैसा कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। तो अंकल मुझे थोड़ा सा आप अपनी कचौड़ी के बारे में बताओ, मतलब क्या क्या ऐसा क्या है जो लोगों को इतनी पसंद आती है आपकी कचौड़ी? हमारी कचौड़ी कच्चे की चटनी है ना? हाँ जी, इससे ज़्यादा मशहूर है यहाँ पे कच्चे आलू की चटनी से। ओके, यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, यही मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, तो भैया इनकी जो चटनी है काफ़ी स्पेशल है और आपको यहीं पे मिलने वाली है। तो अंकल एक बार मुझे आपकी टाइमिंग्स बता दो, कितने बजे आप शुरुआत करते हैं सुबह? सुबह 10:30 से 7:30 बजे रहा, 10:30 से शाम को 7:30 बजे तक रहता है। तो चलिए आप फटाफट से ट्राई करते हैं, एक्साइटमेंट हो रही है कचौड़ियों को देख के, गर्मा गर्म भूख भी लगी हुई है। तो चलिए ट्राई करते हैं। अंकल एक प्लेट लगा दो। मसाला होता है दाल की, होती है दाल की और बस दाल का मसाला होता है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हो अभी ये कचौड़ियों के जो डो होते हैं वो बन रहे हैं यहाँ पे। ये देखो छोटे छोटे गोल गोल, कितने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से लग रहे हैं ये। और यहाँ पे उसके बाद ये जब तैयार हो जाती है फिर इसको बेला जाता है और फिर ये फ्रायर में आती है यानी कि कढ़ाई में, और उसके बाद फिर ये ऐसी हो जाती है। ये देखो भाई क्या बात है। और ये है इनकी वो कच्चे आलू की चटनी जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ यहीं पे आपको देखने को और स्वाद लेने का जो मौका है आपको यहीं आके मिलता है और कहीं आपको नहीं मिलेगी। तो आप टेस्ट करते हैं। तो अभी हमारी यहाँ पे कचौड़ी लगने जा रही है और ये अंकल ने कचौड़ी को यहाँ पे क्रश किया, ये आ गई सब्ज़ी। ये देखो भाई क्या बात, अच्छे से मिक्स कर दिया अंकल ने इसको।
ये देखो क्या बात है भाई, मतलब कचौड़ी यहाँ के खाना ना वर्थ इट रहता है, क्योंकि मैं इतनी बार ट्राई करता हूँ यहाँ पे, जब भी आता चांदनी चौक बहुत मज़ेदार कचौड़ी होती है इनकी, मज़ा आ जाता है खा के। ये देखो भाई, ये हमारी कचौड़ी यहाँ पे तैयार हो गई है। ये देखो भाई कचौड़ी आ गई है। दिखने की अगर मैं बात कर लूँ सबसे पहले देखने में, देखो यहाँ पे कचौड़ी है, आलू की सब्ज़ी है, इनके जो कचालू की चटनी होती है वो है, यहाँ पे अदरक के लच्छे हैं, धनिया है, हरी मिर्च है। तो मुँह में पानी आ रहा है, फटाफट देना है, ट्राई करते हैं, इंतज़ार नहीं हो रहा। चल भाई ट्राई कर, दोनों एक साथ करेंगे। मैं तो हाथ से खाऊंगा पहले इसको, क्योंकि हाथ से खाने में अलग ही। ये देखो भाई बाइट देखो तुम, ये क्या आप दिख रही है, क्या मज़ेदार है भाई। हरी मिर्च है, अदरक के लच्छे हैं, धनिया है, फटाफट से ट्राई करते हैं। अमेजिंग क्रिस्पीनेस है ना कचौड़ियों की, एकदम सबको फील होगी जैसे ही मुंह में जाएगा। एक तो क्रिस्पी, ऊपर से जो इनकी कचालू की जो चटनी होती है, ओए होए ये चटनी मज़ेदार है, मज़ा। मैं कह रहा हूँ सारा स्वाद इनकी कचालू की चटनी का, भाई जब भी आओ ना, मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा डलवाना, मज़ा आ जाएगा खा के। और उसके साथ ही ये जो हरी मिर्च आती है ना बीच बीच में, हल्का हल्का तीखापन लगता है, मस्त है। मैं इनकी सॉस भी बहुत स्पाइसी, और जो इनका सब्जी है, मसाले हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी है इनकी कचौड़ी। अच्छे हैं ज़्यादा, मैं कहूँगा कि ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, बट एक अच्छे लेवल पे बैलेंस मसाले हैं सारे के सारे, मज़ा आ जाएगा आपको खा के। जिसको चटपटा पसंद है ना, इसको कहते हैं एक्चुअल में चटपटा, स्पाइसी नहीं है ज़्यादा, चटपटा है, मज़ा आ जाएगा। तो हमारी तरफ से तो भाई इसकी, महादुर जी की कचौड़ी को एक बड़ा थम्स अप है, मज़ा आ गया। जब भी आओ ट्राई ज़रूर करना, मस्त कचौड़ी है, मज़ा आ जाता है खा के। चलिए हम इसका मज़ा लेते हैं और आपको लेके चलते हैं हमारी अगली लोकेशन की। अब भाई हम आ गए हमारी सेकंड लोकेशन की तरफ, जो कि है ये पराठे वाली शॉप। नाम आपको ऊपर दिख रहा होगा, विजिबल मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे अब हम आए पराठे खाने के लिए। यहाँ पे आपको इतने तरह की पराठों की वैरायटी मिलेगी ना, करेले के, मिर्ची के, ड्राई फ्रूट के, आलू के, गोभी के, कितने ही बोलो, मतलब चांदनी चौक जो चैनल आपने देखे होगी अक्षय कुमार जो। वैरायटी इसके नाम लेते हैं ना पराठों की, वो सारे पराठों की वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे अभी प्रिपरेशन चालू है, हम आपको एक एक करके दिखा दें कि हम क्या ऑर्डर करने वाले हैं और कैसा उसका टेस्ट रहने वाला है। तो आइए चलिए, कई फेमस लोग भी आ रखे हैं और ट्राई कर रखे हैं पराठा इन्होंने, ये जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें। तो यार जैसा कि अभी हम अंदर आ चुके हैं, और अभी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अभी शुरुआत हुई है, तो अभी यहाँ पे प्रिपरेशन जो हो रही है अभी, तो मैंने सोचा कि ना भैया से बात कर ली जाए तब तक। तो भैया जी मुझे पहले तो थोड़ा सा ये बताइए कि कितना टाइम हो गया इस पूरी शॉप को। 1872 से खुला हुआ है, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो इतने सारे सेलिब्रिटीज हैं, और मैं यूँ कहूँ कि राजनीति हस्तियाँ भी यहाँ पे आ चुकी है, खा चुकी है ना भैया। तो अब मुझे बताइए कि आपके पास कितने तरह के पराठे मिलते हैं। 28 तरह के पराठे। और इन सारे पराठों की जो प्रिपरेशन होती है वो सारी यहाँ पे है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। भैया थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है ये। दाल। अच्छा ये दाल है, दाल का पराठा। ओके दाल है, मसाले हैं, ये क्या है? पनीर। ये पनीर है, और बाकी ड्राई फ्रूट दिख रहे हैं मुझे, गोभी दिख रही है, मटर, पनीर, आलू, गोभी, ड्राई फ्रूट, काजू, मूली, करेला, नींबू, मिर्ची। क्या बात है, मतलब नींबू, करेला, मिर्ची के भी पराठे आपको यहाँ खाने को मिलेंगे। यार सोच के ऐसा हो रहा है कि क्या ऑर्डर करें, 28 तरह के पराठे, सोच सकते हो, कैन यू इमेजिन। एक बार आओगे ना तो मैं कहूँगा कि कुछ डिफरेंट ट्राई करना, सिर्फ आलू गोभी पनीर ये सब ट्राई मत करना, क्योंकि ये तो हम यूजुअली घर में भी खाते ही हैं, तो कुछ डिफरेंट ट्राई करना। तो आज हम कुछ डिफरेंट ही आपको दिखाने वाले हैं, तो चलिए जैसे ही प्रिपेयर होता है सब कुछ हम आपको दिखाते हैं फिर। अभी ये जानने की मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यहाँ पे कौन सा पराठा है जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है, तो एक बार भैया से पूछते हैं। भैया आप अब मुझे बताओ कि ना सबसे ज़्यादा लोग क्या पसंद करते हैं खाना? मिर्ची का है, मिर्ची का, चीज का, मिक्स वेज है, रबड़ी का है, गुड़चन का है। अच्छा तो ये सबसे ज़्यादा आपके बिकने वाले पराठे हैं। तो ठीक है यार, अब डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो गया है कि कौन सा ट्राई करें, क्योंकि मन तो सारे पराठे ट्राई करने का, लेकिन पेट भर जाएगा तो हम आपको आगे लेके नहीं जा पाएंगे जर्नी में इस फूड वॉक की। तो चलिए ट्राई करते हैं, जैसे ही जो भी हम ऑर्डर करते हैं आपको दिखाते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो यार अब हमने जो चीज़ें ऑर्डर कर दी है, सबसे पहले हमारा जो बनने जा रहा है वो है मिर्च का पराठा। ये देखो भाई यहाँ पे अभी भैया ये पूरी फिलिंग है मिर्च की, हरी मिर्च है ये। ये देखो भाई क्या बात है, मतलब हरी मिर्च का पराठा, कैन यू इमेजिन। आपने अगर घर पे किसी ने ट्राई किया है हरी मिर्च का पराठा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। अब ये भैया यहाँ पे इसको बेलने वाले हैं, और उसके बाद फिर ये जाएगा वहाँ पर कढ़ाई में। उस कढ़ाई में जैसे कि आप ये देख सकते हो यहाँ पे कढ़ाई, इसमें अभी तेल डल चुका है, और ये अब इस तेल में ये पराठा जो है ये फ्राई होगा। तो पहला तो हो गया हमारा मिर्च का पराठा, ये देखो बेलने में देखो कैसे ग्रीन ग्रीन से दिख रही है ये। ये देखो भाई क्या बात है, मज़ा आ जाएगा खा के, ऐसा लग रहा है। ये देखो
चलो अब हम आपको चलते हैं लेके हमारे सेकंड पराठे की तरफ। सेकंड हमने क्या ऑर्डर किया है? अभी हमारा सेकंड पराठा तैयार होने वाला है। ये कौन सा है भैया? चीज का। ये चीज पराठा है। इसमें किस चीज की अंदर फिलिंग है? इसमें टमाटर है, शिमला मिर्ची और मसाले। टमाटर, शिमला मिर्च और मसाले और चीज है। और चीज है भाई, क्योंकि स्पेशल चीज का पराठा है यहाँ पे। ये तो अभी ये तैयार होने वाला है। सेम तरीके से इसको अब इसमें डाल दिया है। अब इसको यहाँ पे बांधा जाएगा और उसके बाद फिर इसको बेला जाएगा और उसके बाद फिर ये जाएगा सीधा कढ़ाई में। ये देखो भाई, ये तो ऐसे गार्लिक ब्रेड जैसी शेप बना दी है यहाँ पे भैया ने इसकी। ये देखो क्या बात है। चलो अब आपको फिर से हम कढ़ाई की तरफ लेके चलते हैं। ये आ गया भाई कढ़ाई के अंदर हमारा पराठा और ये हो रहा है यहाँ पे फ्राई। है देखो भाई क्या बात है। ओहो अलग ही रंगत आ गई इसमें। ये देखो ये वाला भैया, यहाँ पे घी यूज़ होता है, तेल यूज़ नहीं होता है क्या? ये देखो भाई मज़ेदार। तो अभी हमारी जो प्लेट है पराठों की वो आ चुकी है। तो हमने जो ऑर्डर किया है, एक मिर्च का पराठा, एक किया यहाँ का स्पेशल चीज़ का पराठा और उसके साथ में हमें यहाँ पे मिलती है ये है केले की चटनी जिसमें हम केला देख सकते हैं और ये है आलू की सब्जी, आलू मटर की। ये आलू मटर की सब्जी है यहाँ पे और ये जो है ये है सीताफल की सब्जी, सीताफल की सब्जी है कद्दू की और ये हरी चटनी है। तो यार जैसा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो चीज़ पे, यहाँ पे एक और सब्जी है जो है आलू मेथी की सब्जी है ये और ये है सीताफल की सब्जी। और तो ये दोनों सब्जियाँ थोड़ी मिक्स हो गई थी इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। खैर ये है चीज़ पराठा, मुझे लगा कि ये गोल होगा बट ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है, गार्लिक ब्रेड जैसा दिख रहा है ये। और ये है हमारा मिर्च का पराठा, ये भी काफ़ी क्रिस्पी और ये देख रही हो हरी मिर्ची आपको दिख रही होगी, अच्छे से भुन गई है ये यहाँ पे और पराठा एकदम जो है गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब इसको फटाफट से हम टेस्ट करने जा रहे हैं। तो पहले क्या ट्राई करें? टेस्टी होने वाला है, पहले हम ट्राई करते हैं। मेरा फेवरेट तो मिर्च पराठा है, मेरा भी। बट जो यहाँ का स्पेशल चीज़ पराठा है सबसे पहले वो ट्राई करेंगे एंड आपको बताएंगे कि कैसा। सबसे पहले मैं चीज़ पराठे को बीच से तोड़ना चाहूँगा क्योंकि जो मेन जो माल है वो सारा बीच में ही। अब देखते हैं क्या, और इतनी ये थोड़ा सा चीज़ यहाँ से गिर गया है नीचे की तरफ। ये हम इसको यहाँ से, चलो साइड से ही तोड़ते हैं क्योंकि साइड से शायद लीक हो गया तो इसमें से निकल रहा है। ये देखो भाई, ये देखो इसके अंदर चीज़ भरी पड़ी है इसमें। ये देखो क्या बात है यार, मस्त दिख रहा है ये। अब फटाफट से इसको देखते हैं कि ये कैसा होने वाला है टेस्ट में। ये हम इसको ट्राई करने वाले हैं बिना सब्जी के साथ, हम इसको ट्राई करेंगे सबसे पहले। ये देखो ट्राई करते हैं। कुछ कुछ इसका टेस्ट ना मुझे मैकपफ जैसा लग रहा है, जबने मैं भी यही बोलने वाली है ना, टेस्ट इसका एकदम मैकपफ जैसा लग रहा है। कुछ भी डिफरेंस नहीं पता लग रहा, मैकपफ जैसा है, मैकपफ जैसा ये बिल्कुल, मतलब 90% मैं कहूँगा मैकपफ जैसा ही है। बहुत अच्छा टेस्ट है, आप लोगों ने टेस्ट मस्त है। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार चीज़ पराठा थोड़ा सा ऐसा होता है कि कैसा टेस्ट होगा बट ये बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया चीज़ पराठा खा के। अब चलते हैं हमारे सेकंड पराठे की तरफ, वो है ये मिर्च का पराठा, पर्सनली बहुत फेवरेट है। इसको ट्राई करते हैं भाई, एकदम क्रिस्पी हो रखा है। ये देखो एकदम ऐसा करारा हो रखा है ना, ये थोड़ा सा नीचे गिर गया यहाँ पे। ये देखो अंदर मैं दिखाता हूँ, ये देखो इसके हरी मिर्च घुसी हुई है भाई। अब इसको पहले मैं ऐसे ही ट्राई करूँगा, देखते हैं कि मिर्च लगती है या नहीं लगती। मज़ा आ गया भाई, ये हरी मिर्च ना सबसे पहले जो इसका मसाला था वो काफ़ी मसालों के साथ तैयार हुआ है तो प्लस आपको फीकी नहीं लगेगी। अगर आप हरी मिर्च भी खा के देखो आपको नमकीन टेस्ट आएगा उसमें, काफ़ी ज़्यादा फ्लेवरफुल है ये। और हरी मिर्च जब आप सोचेंगे यार हरी मिर्च का पराठा तो काफ़ी ज़्यादा मिर्च लगेगी, ऐसा नहीं है, आप आगे ट्राई ज़रूर करना, बहुत मस्त पराठा है, मज़ा आ जाएगा। आलू गोभी पनीर ये सब छोड़ के इन पराठों को ट्राई करना, वर्थ इट रहेगा और आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। बहुत बढ़िया स्वाद है इसका, तो मैं तो डेफिनेटली कहूँगा कि आओ और ट्राई करो यहाँ पे। बहुत और क्रिस्पी भी है सब्जी, इसने खाइए ये बताएगी कि सब्जी का स्वाद इसको कैसा लगा। बहुत अच्छी है, शटर सारे मसाले इसके बहुत ही ज़्यादा। और इनकी सब्जी में मुझे एक बात अच्छी लगती है कि इनके जो मसाले होते हैं ना बहुत लाइट मसाले होते हैं, बहुत लाइट मसाले, हर कोई खा सकता है, बहुत लाइट मसालों से तैयार है। चाहे चटनी की बात करूँ, चटनी भी काफ़ी लाइट मसाले हैं इसमें। और आप आइए ट्राई ज़रूर करना, अगर आते तो हमें बताना जरूर, टैग जरूर करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अब आपको लेकर के चल रहे हैं हम हमारी थर्ड लोकेशन। तो भाई पराठे खा लिए थे, अब जा रहे थे अगली लोकेशन की तरफ, तो ये दुकान पड़ी स्पेशल लस्सी मलाई वाली, ठंडी रबड़ी खुरचन भी मिलती है यहाँ पे। तो आप फटाफट से ट्राई करते हैं। तो भैया कितने टाइम से लगा रहे हो, कितने टाइम से है आपकी शॉप?
1979 से। ओके, तो क्या क्या मिलता है आपके, एक बार बता दोगे थोड़ा सा? लस्सी और खुरचन। और तीसरी आइटम रबड़ी मिलती है। तो चलो फटाफट से ट्राई करते भैया, एक ग्लास लगा दो लस्सी का, मीठी वाली। ये देखो भाई, यहाँ पे ये दही है, ऊपर से कितनी मोटी मलाई है इसके ऊपर। अभी भैया यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। ये आ गई चीनी। तो भैया पराठे खाने के बाद थोड़ी सी ना ऐसे लग रहा था कि कुछ पीने को मिल जाए अब, तो अब फिर हम आ गए यहाँ पे लस्सी पीने के लिए। ये देखो ये दही है यहाँ पे, ये दही, क्या बात है। ये आ गई इसके अंदर, ये अब इसमें पूरी मिक्स होने वाली है। ये लस्सी हमारी तैयार, और अभी आएगी इस कुल्लड़ में। ये आ गई कुल्लड़ में हमारी लस्सी। ये देखो भाई, ठंडी ठंडी लस्सी एकदम, क्या बात है भाई। अब फटाफट इसको ट्राई करते हैं। ऊपर से भैया मलाई, ये देखो ये आ गई मलाई। ये रेडी है भाई हमारी लस्सी, कुल्लड़ वाली लस्सी। ये देखो भाई क्या बात है, क्या बात है। ये हमारी भाई कुल्लड़ वाली लस्सी, जिसका प्राइस है 60 रुपीज़, कुल्लड़ में आपको मिलती है। तो मुझे थोड़ी सी एक कमी लगी है कि ऊपर से अगर थोड़ा सा रूअफ़ा होता तो और मज़ा आ जाता। रूअफ़ा है फिर थोड़ा, जैसे नारियल भी कई बार घिस के डालते हैं तो वो भी हो सकता है, बट अदरवाइज़ हम इसको ट्राई करते हैं। लस्सी बढ़िया है, गाढ़ी है, पतली नहीं है, ऊपर से मलाई है। मलाई खा के देखते हैं, मलाई में हल्की सी खटास रहेगी। लस्सी पूरी मीठी है, अच्छी लस्सी है, मज़ा आएगा पी के, ट्राई करना जब भी आ रहे हो। भाई पराठों के बाद लस्सी पी के ना मज़ा आ गया, सही बता रहा हूँ। पराठों के बाद लस्सी कमाल कर देती है, नींद ना आए बस। ये जो अभी हमने आपको तीन चीज़ें दिखाई है, कचौड़ी हो गई, पराठे हो गए, लस्सी हो गई, आपको इसी पराठे वाली गली में मिल जाएगा। इधर उधर भटकने के लिए मैंने आपको छोड़ा नहीं, यहीं आगे तीनों चीज़ों का मज़ा ले लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। यार अभी ना बस हम गली से बाहर निकल ही रहे थे तो अभी हमें एक शॉप दिखी, तिवारी जी कॉर्नर, और इनकी शॉप जो है वो कॉर्नर पे ही है, पराठे वाली गली में। जब आप अंदर घुसोगे तो राइट साइड पे ही पड़ेगी। तो अभी हम यहाँ से एक प्लेट भटूरे लेंगे और ट्राई करेंगे कि कैसा उसका टेस्ट है, क्योंकि जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, इधर दिखाओ, यहाँ पे ये छोले हैं, ये चावल है, और उधर भटूरे तले जा रहे हैं। तो आप ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं, क्योंकि चांदनी चौक में इतना सारा फूड है खाने के लिए, खाते जाओ पेट भर जाता है, बट मन नहीं भरता। थोड़ा सा धक्का मुक्की लग रही है यहाँ पे, कोई बात नहीं, चलो ट्राई करते हैं। फटाफट भटूरे चले जा रहे हैं, ये भटूरों को भैया ने पिटाई कर दी है, और ये गए कढ़ाई के अंदर। यहाँ पे क्या बात है भाई, यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से ट्राई करना चाह रहा था छोले भटूरे, क्योंकि कई बार मैं यहाँ पे आया हूँ बट यहाँ ट्राई नहीं कर पाता था, बट आज ट्राई करके जाएंगे यहाँ से। चावल देखो कितने खिले खिले लग रहे हैं, और इसमें मटर भी डले हुए हैं, और ये है छोले। यहाँ पे ये प्लेट तैयार हो रही है, ये देखो क्या बात है भाई, ट्राई करते हैं, देखते कैसे। ये भी बिना लहसुन प्याज के छोले भटूरे हैं, सबसे मेन थिंग, जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं उन लोग को यहाँ पे आना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। तो चलिए अब ट्राई करते हैं तिवारी जी कॉर्नर के छोले भटूरे, बता दें इसका टेस्ट कैसा है। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, फुल प्लेट जो है ये 90 रुपये की, हाफ प्लेट मैंने लिए 60 रुपीज़ की। इसमें सिंगल भटूरा आता है, और साथ में प्याज मिलते हैं, अचार मिलता है, और ये छोले, मुझे छोले ना इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इनका जो कलर है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, डार्क दिख रहा है, और खाने का मन कर रहा है काफ़ी, मतलब यूँ कहूँगा कि कलरफुल ना होने के बावजूद भी ये चीज़ इतनी अट्रैक्ट करी इनकी छोले मुझे। जब मैं आ रहा था तो मैं कहा यार फटाफट से ट्राई करते, क्योंकि छोले मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करे पर्सनली। तो फटाफट से उंगली डाल के फोड़ते हैं भटूरा। यहाँ पे ये उंगली डली और ये फोड़ गया हमारा भटूरा। भटूरे के अंदर की अगर हम बात करें तो ये देखो भाई, भटूरे के अंदर है ये पनीर की स्टफिंग। यहाँ पे ये पूरा पनीर पनीर है। तो अगर आप आ रहे हो शॉपिंग वॉपिंग करने तो भाई यहाँ के भटूरे ट्राई ज़रूर करना। अब बनाते हैं बढ़िया सी बाइट। ये देखो भाई ये है, ये रहा पनीर, पनीर के पीस देख रहे हो अच्छे से डले हुए हैं। अब ये लगाते हैं इसमें छोले। यार रैप बनाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, ये आ गया प्याज यहाँ पे। तो ऐसे करके जब भी छोले भटूरे खाओ ऐसे करके खाओ, और ये बनाओ वाइट, और ये वाह मिर्ची साथ में। बिना लहसुन प्याज के छोले इतने टेस्टी लग रहे हैं ना, मज़ा आ रहा है। तो भाई यहाँ के छोले भटूरे ज़रूर आप ट्राई करना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यार बहुत मेहनत लग रही है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो प्लीज़ जितना हो सके मैं सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं आपको अगले किसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।